हमला किए जाने की घटनाएं सामने आ रही है। बावजूद इसके कि वन विभाग द्वारा ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। ताजा मामला किशनगढ़ क्षेत्र के ग्राम कुपी से सामने आया है, जहां एक अधेड़ पर जंगली भालू ने हमला कर उसे जख्मी कर दिया। बुजुर्ग व्यक्ति का नाम हरदयाल है। हरदयाल के भतीजे दीपक यादव ने बताया कि उसके चाचा किसी काम से जंगल गए हुए थे, इसी दौरान एक मादा भालू और उसके बच्चों ने उन पर हमला कर दिया। भालू के हमले से वो बुरी तरह जख्मी हो गए। इस घटना की सूचना मिलते ही हम मौके पर पहुंचे और घायल अवस्था में ही चाचा को अस्पताल लेकर आए, जहां उनका इलाज चल रहा है। जंगल अपनी भैंसें लेने के लिए गए थे, तो जंगल भैंसन से पहले उनको गैल में बछवा ने काट दिया। जे भालू थे, एक भालू और उसके दो बच्चे थे। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।